दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं IFSC के Q4 के रिजल्ट के बारे में। देखिए दोस्तों कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं एंड दोस्तों रिजल्ट से पहले ये हमारा प्रिडिक्शन वीडियो रहता है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। एंड रिजल्ट हम देखेंगे, रिजल्ट इस क्वार्टर में कंपनी के कैसे रहेंगे एंड मेन इंपोर्टेंट की ड्यू डेट कंपनी कितना देने वाली है। अगर रिजल्ट अच्छा रहा तो कल क्या होगा, क्योंकि आज मंडे है, मंडे को मार्केट का होलीडे एंड कल मार्केट हमें खुलता हुआ देखने को मिलेगा, तो रिजल्ट का इफेक्ट कल कैसा देखने को मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट से बहुत सारी उम्मीद है। रिजल्ट अगर अच्छा आता तो 20% तक के सर्किट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार हम देखेंगे दोस्तों की रिजल्ट कैसे रहेंगे। यहाँ पे हमारे सामने 3 साल का जो डाटा है उससे हम प्रिडिक्ट करेंगे कि जो Q4 2024 के आंकड़े हैं वो कैसे दिखेंगे। तो सबसे पहले मेन चीज दोस्तों, अगर आप यहाँ पे नजर डालोगे तो अभी के टाइम देखिए कंपनी की जो बुक वैल्यू 36 करोड़ 37 के आसपास हमें नजर आ रही है। कंपनी दोस्तों 0.87% का डिविडेंड यहाँ पे देती है। इसी के साथ जो पी रेशियो है वो 37 का है। रिजल्ट अगर अच्छा आता तो ये पी दोस्तों हमें अराउंड 32 के आसपास एंड 33 के आसपास देखने को मिलेगा, मतलब कंपनी के स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाएगी यहाँ से। अब देखिए रिजल्ट देख लेते हैं आपके सामने दोस्तों, आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। भी रिजल्ट देखो कब कब के, यहाँ पे एक तो 2021 का दिखेगा, एक 2022 का दिखेगा, एक 2023 का दिखेगा, आने वाला 24 का है यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपनी है सेल्स। दोस्तों अगर ईयर टू ईयर कंपेरिजन करोगे तो सेल्स आपको हर क्वार्टर यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे कितनी थी, 4455 करोड़ की थी, यहाँ पे 5932 करोड़ की हो गई, यहाँ पे 6218 करोड़ की, सॉरी यहाँ पे 6236 करोड़ की हो गई। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो हर एक ईयर टू ईयर कंपेरिजन में हमें सेल्स ने हर क्वार्टर यहाँ पे ईयर टू ईयर हर क्वार्टर ग्रोथ दिखाई है। अब इस क्वार्टर का कभी अगर आप प्रेडिक्शन करें कि कितनी सेल्स रह सकती है, तो इस क्वार्टर की सेल्स दोस्तों 6000 7000 करोड़ के बीच में रहेगी, ठीक है ना। 6000 7000 करोड़ के बीच कंपनी की सेल्स रहेगी, अराउंड 6200 6300 करोड़ प्लस तो देखने को मिलेगी, इससे 7000 के बीच रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस क्वार्टर दोस्तों 300 400 करोड़ की सेल्स हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल सकती है। ये रही हमारी सेल्स की प्रेडिक्शन, ठीक है, पिछले 3 डाटा को देखते हुए। अब यहाँ पे अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो यहाँ पे आप देखोगे सेल्स इंक्रीज थी, यहाँ पे भी आप देखोगे सेल्स हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिली, यहाँ पे भी आप देखोगे सेल्स इंक्रीज हुए। तो इस क्वार्टर में क्या दिखेगा, जो 6700 करोड़ की सेल्स पिछले क्वार्टर में, ये यहाँ पे अराउंड दोस्तों हमें 5900 7000 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगी, अराउंड 7000 करोड़ को पार कर सकती है, 7200 भी हो सकती है, तो 75 के बीच यहाँ पे नजर आ सकती है, मतलब 6800 से 7500 के बीच यहाँ पे सेल्स रहेगी, क्योंकि 6700 करोड़ 42 करोड़ की है। तो यहाँ पे दोस्तों जबरदस्त सेल्स कंपनी की इस क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। मार्केट जो कंपनी के यहाँ पे मार्जिन है, प्रॉफिट है, वो हमें इस क्वार्टर 100% का दिखेगा। एंड इसी के साथ जो कंपनी की इंटरेस्ट जो कंपनी पे कर रही है, इस क्वार्टर हमें सेम इंटरेस्ट इसी के आसपास के इंटरेस्ट दिखेंगे। एंड जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट दोस्तों अगर आप देखोगे यहाँ पे, देखिए ये जो प्रॉफिट है ये 2021 का दिखेगा, ये 22 का प्रॉफिट है, ये 23 का है, आने वाला 24 का दिखेगा। तो अगर तो यहाँ पे आप देखोगे ईयर टू ईयर तो प्रॉफिट में हमें यहाँ पे हल्की सी बढ़त देखने को मिली, यहाँ पे हल्की सी गड़त देखने को मिली, क्योंकि जो मार्जिन है थोड़े से कम हुए थे। इस क्वार्टर दोस्तों अगर आप देखोगे तो ईयर टू ईयर तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट में धमाका देखने को ही मिलेगा, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हमें यहाँ पे 1700 से 1800 करोड़ का प्रॉफिट हमें दिख सकता है, अराउंड 1500 एंड सॉरी 1600 2020 के प्रॉफिट हमें यहाँ पे इस क्वार्टर में दिखेंगे, जो की जबरदस्त कंपनी के रहने वाले हैं। इसी के साथ बैलेंस शीट पर क्या नजर रहेगी दोस्तों, तो बैलेंस शीट में देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कंपनी के यहाँ पे रिजर्व, बोरोविंग्स एंड कंपनी के एसेट्स। तो इसमें अगर देखिए, अगर हम कंपेरिजन करें देखें तो यहाँ पे जो हमारा रिजर्व कंपनी का, वो प्रति क्वार्टर बढ़ रहा है, क्योंकि आप देखोगे पहले 5000 7000 15000 18000 22000 27 34 34 मतलब 32 34, तो इस क्वार्टर ये दोस्तों 37 38 के आसपास हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा। कर्जे की बात करें तो कर्जा दोस्तों धीरे धीरे हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, एंड पिछले लास्ट ईयर क्वार्टर से थोड़ा सा कर्जा घटा है, तो इस क्वार्टर हमें अराउंड थोड़ा कर्जा कंपनी 2 क्वार्टर से कंट्रोल करे, तो इस क्वार्टर में 4 लाख करोड़ के नीचे कर्जा देखने को मिल सकता है, ये हमारी प्रेडिक्शन है। इसके बाद जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो एसेट्स कंपनी की वैल्यू। तो देखिए ये वैल्यू तो हर क्वार्टर यहाँ पे बढ़ रही है, आप देखोगे फिर 2 लाख करोड़ के एसेट्स पे, 2 लाख 75 के पे, 2 3 लाख 80 के पे, 4 लाख 49 के पे, 4 लाख 92 पे, 4 लाख 97, तो इस क्वार्टर ये 5 लाख करोड़ को पार करते हुए देखने को मिलेंगे। अब देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज शेयर होल्डिंग पैटर्न, आप देखोगे तो पिछले क्वार्टर मतलब यहाँ पे दिसंबर एंड मार्च के बीच अगर देखेंगे तो FII ने हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग किया है, FII करंट टाइम पे फिर से खरीद रहा है। अगर आप देखोगे DII ने भी प्रॉफिट बुकिंग करी, DII FII दोनों खरीद रहा है, रिटेल के पास थोड़ा सा माल बढ़ा, इसको अगेन यहाँ से कम कर लेंगे। अब आप देखेंगे Q1 के अंदर तो ये FII DII का डाटा देखेगा एंड रिटेल का थोड़ा सा घटेगा। देखिए पिछले साल 2023 के अंदर दोस्तों कंपनी ने 80% का डिविडेंड यहाँ पे डिक्लाइन मतलब डिक्लेयर किया था, इतना कंपनी ने डिविडेंड यहाँ पे दिया था, तो चांस है कि इस क्वार्टर भी कंपनी दोस्तों अराउंड 1 रुपए या 1 रुपए से आसपास में यहाँ पे डिविडेंड देती हुई देखने को मिले। एंड
डिविडेंड का भी कंपनी आज ही अनाउंसमेंट करेगी, कंपनी की बोर्ड मीटिंग है। अब रही बात रिजल्ट कितने बजे तक दिखेगा, तो रिजल्ट हमें दिखेगा दोस्तों अराउंड 4 बजे के बाद एंड 7 बजे के आसपास, ठीक है ना। इस टाइम पीरियड के बीच हमें रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एंड रिजल्ट आते ही दोस्तों आपको मेन रिजल्ट का वीडियो बना के हम सबसे पहले प्रोवाइड करवा देंगे। तो रिजल्ट आने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रिजल्ट आते ही आपके पास, जिससे मैं वीडियो बनाऊँ तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, आप रिजल्ट देखो। एंड मेन चीज, रिजल्ट अगर अच्छे आते तो कल दोस्तों स्टॉक 7-8% या 10% के भी धमाके में अच्छे देखने को मिल सकते हैं। तो अभी के टाइम देखो जल्दबाजी नहीं करना है, रिजल्ट कैसा भी नहीं, इलेक्शन का टाइम, इलेक्शन से पहले हमें थोड़ा सा ध्यान देना है स्टॉक के ऊपर, ठीक है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो ताकि अपडेट्स आपको मिलते रहे।